लगभग लगभग इंक्लूड हो चुके हैं और आपने हर एक टॉपिक को टच किया। अभी और जो कुछ रह गया हो, रह जा रहा हो, तो जब आप लोग काम शुरू करोगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो निरंतर बनी रहेगी, और उसके माध्यम से अगर कोई चीज़ छूट रही है, कोई चीज़ क्या, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब आप शुरू करते हो तो नए नए तरह की चीज़ें निकल के सामने भी आती हैं। तो जितना 7 दिन में समेटा जा सकता था काम को, फटाफट हम लोगों ने शॉर्ट में कर करके चीज़ों को काफ़ी जल्दी करने की कोशिश करी, तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी निपट चुकी हैं। अभी बस फार्म का ये कम्प्लीटली लेआउट कैसे आपको डालना है, अगर आप जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं या खेत खरीद रहे हैं या मैदान है खेत उसमें शुरू कर रहे हैं, पहले से खेती नहीं कर रहे हैं या ज़मीन लीज पर लेके कर रहे हैं या किसी भी ढंग से कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसका एक कम्प्लीटली लेआउट कैसे होना चाहिए, एक प्लॉट की डिज़ाइनिंग कैसे होना चाहिए, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ बेसिक फार्मिंग से रिलेटेड बातें अभी करने वाले हैं, तो ये अभी हम करते हैं। जितना भी हमारा और थ्योरी का सेशन बचा हुआ था उसको हम पूरा करते हैं अभी, और फिर उसके बाद जो है ना, कल केवल आपका ग्रुप फोटो और क्वेश्चन आंसर सेशन रह जाएगा, और लंच तक हम आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो कल जैसे ही ब्रेकफास्ट होगा, ग्रुप फोटो होगी, सर्टिफिकेशन सेशन होगा, और उसके जस्ट बाद आपका डिस्कशन चालू हो जाएगा। तो लंच तक हम अपना डिस्कशन निपटा के और आपको फ्री कर देंगे, ठीक है कि नहीं, फिर आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो शाम को रुकने वाले हैं, है ना, या फिर कल अर्ली मॉर्निंग भी निकलने वाले, ऐसे लोग भी हैं क्या, कोई लंच के पहले भी कोई निकलने वाला है क्या? हमारा 3:30 बजे है रात को काम, शाम तक नहीं, नहीं, बात नहीं, बात हो रही अभी दिन की बात हो रही है, कल दिन को 1 बजे के पहले कोई निकलने वाला है क्या? कितने बजे? सुबह 9:30 में भोपाल में फ्लाइट पकड़ना है। 9:30 पकड़ना है, ओहो, तो वो तो आपको फिर रात को ही निकलना पड़ेगा आज, है ना, थोड़ा इमरजेंसी आ गया। ओके, अच्छा, एक्सपायर कर गया। ओहो, नहीं नहीं, फिर जाइए आप तो, फिर रात को अभी फिर भोपाल के लिए बस मिल जाएंगे, बस से जाएंगे आप? हाँ, जो मिलेगा चलेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर आप रात्रि स्लीपर ले लीजिए, तो सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे आराम से, ऐसा कर लीजिए। हाँ, या तो फिर दूसरा ये विकल्प है कि रात्रि ट्रेन तो है पर वो 7 बजे पहुंचाएगी और थोड़ी सी रिस्की हो सकती है रात्रि, लेकिन 2 बजे वो ट्रेन है तो वो नींद खराब होगी, स्लीपर बस लेना उचित रहेगा आपको। हाँ, रात कल हम लोग सुबह, हाँ, तो फिर ये तो हो गई सुबह वाली बात। शाम को कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेन रात्रि में है, जैसे मान के चलो, या फिर हम ऐसा कहें कि शाम को रात्रि का भोजन कितने लोग करेंगे, ऐसा पूछ लेते हैं। आप भी करो, रहोगे ना? हाँ, मतलब 7:30 के बाद निकलने वाले। अरे, कल रात को खाना जाने वाले को पूछ रहे हैं, कल रात को खाना आप नहीं खाओगे यहाँ रुक के? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 है ना, 16, 17 लोग हैं, ठीक है। तो फिर आप सब लोगों की फिर रात्रि को ट्रेन है ना, ओके, ठीक है। और फिर परसों सुबह भी कोई रहने वाला है? नहीं नहीं, जाने वाले हैं, सुबह को ट्रेन है, टिफिन को नहीं रहेंगे। ओके, 3 बजे 5 बजे छोड़ेंगे सुबह? हाँ, 5 बजे हम दोनों। अच्छा, ओके, तो परसों सुबह ब्रेकफास्ट को भी कोई रहने वाला है क्या? नहीं, आप तो रहेंगे ना। एक हमारा हमारे साथ आती 18 तारीख को हमारा आती रिजर्वेशन है। 18 तारीख को आपका रिजर्वेशन? हाँ, ओके। अच्छा, शाम के 10। ऐसा है कि ग्रुप तो आप सब लोगों का बन ही गया है, ठीक है, और ग्रुप के माध्यम से हम लगातार कनेक्टिंग रहेंगे, और जो भी व्यक्ति शुरू करेगा तो जो भी समस्याएं आए वो ग्रुप के माध्यम से हमसे बात करे, और फोन कम्युनिकेशन के माध्यम से भी बात करके काम को शुरू करे। हमारी व्यस्तताएं रहती हैं, पर व्यस्तताएं को देखकर आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम फोन ना लगाएं या अपनी बात ना रखें, आप बेझिझक अगर काम है तो 100% कितनी भी व्यस्तताएं हों आप बात रखिए अपनी, क्योंकि व्यस्तताएं उसी सब चीज़ों के लिए है ना कि। तो समय पे अपनी बात जरूर पूछें और लगातार संपर्क में रहें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं, और